हेलो फ्रेंड, मैं रजनी जायसवाल। आज मैं नमकीन पुआ बना रही हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगता है। ये हमने 100 ग्राम चावल लिए हैं, ये 50 ग्राम चना दाल है। इसको मैं 4-5 घंटा भिंगा के रखे थे और बाद में अच्छा से वॉश करके पानी इसका निकाल दिए हैं। और ये मिर्ची पाउडर है, नमक है टेस्ट अनुसार, ये सोडा है आधा स्पून, ये एक कांदा बारीक किया है मैं, एक ग्रीन चिल्ली है, ये नमक हल्दी थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा स्पून, ये जीरा है आधा स्पून, ये लहसुन है 4-5 पीस, ये अदरक है थोड़ा 4-5 पीस। मैं इसको डाल रहे हैं जार पे। मैंने प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं, लहसुन डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं। अब इसको सबको ग्राइंड मिक्सर में कर लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं इसको खोल के देख रही हूँ मेरा मटेरियल तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है। मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, 2-3 स्पून। इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। मैंने प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं, लहसुन डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं। अब इसको सबको ग्राइंड मिक्सर में कर लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं इसको खोल के देख रही हूँ मेरा मटेरियल तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है। मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, 2-3 स्पून। हमने गैस ऑन कर रहे हैं, इसमें 250 ग्राम कढ़ाई में तेल है, इसको मैं रख रही हूँ गर्म करने के लिए। तब तक हम अपना मटेरियल तैयार कर लेते हैं। मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, ये मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये नमक, ये सोडा। सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छा से।
अभी हम आइए हम देखते हैं मेरा तेल गरम हुआ कि नहीं। मेरा तेल गरम हो गया है, मैं इसको डालती हूँ एक करके। एक तरफ हो गया, मैं दूसरा तरफ इसको पलट देती हूँ। ये हो गया है, देखिए ब्राउन कलर का हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। बाकी का वीडियो दूसरा है, मैं उसको इसी तरह डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं चने दाल की चटनी बनाए हैं। इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, आप चाहे तो इसका रेसिपी देख लीजिए। आप इसको अपने घर में बनाइए, अपने फैमिली के साथ खाइए। हमारा वीडियो देखें, हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।